बच्चों, आप जो सा आप लोगों को मैंने सबक पढ़ाया था ना, किसको किसको कलमा आता है मुझे सुनाओ। शाबाश बच्चे, शाबाश, आप लायक बच्चे। बच्चों, ये सनोबर हमारा दोस्त है और हमारा भाई है, इसे इसे बिल्कुल सामने नहीं करना, ये चाक काटी भी कर सकते हैं। ओके, चारों को तो समझ आ गई है। झूठ नहीं बोलते होते, खाना आराम से बैठ के खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, आज है हफ्ते करीम, एक नया दिन और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ जी। तो आज जो है ना, टाइम हो गया है तकरीबन 11-12 बजे का। वैसे अभी ना मुझे पता नहीं चल रहा ठीक टाइम का, क्योंकि जो है ना साया जो होता है ना का, ये जो मकान है उनके साय पे ही मुझे पता चल जाता है। लेकिन जो है ना, अभी चूँकि छोटे दिन हो गए और पता ही नहीं चल रहा कि क्या टाइम हो गया। मुझे लगता है कि 12 बजे का टाइम होगा। तो अभी जो है ना, सब्ज़ी आज मेरी थोड़ी जल्दी आ गई है, तो क्योंकि आज फजर और फाइका का था रिज़ल्ट डे, फजर और फाइका दोनों जो है ना वो गई हुई थी अपने चाचू के साथ, फाइका और फजर अपने बाबा के साथ और आंटी के साथ, वैसे वो अपनी अम्मी को आंटी बोलती है, अम्मी के साथ गई हुई थी। तो इसलिए जो है ना, अभी वो चले गए हैं और फजर और फाइका घर आ गई हैं, तो अभी जल्दी से खाने की तैयारी करती है। अभी घर का खाना, फिर जो है ना आपको फाइका और फजर का रिजल्ट भी दिखाएंगे। फाइका से भी मिला देते हैं क्योंकि वो स्कूल से आई है और कह रही है कि मुझे दूध दो। मैंने कहा कि थोड़ी देर ठहर जाओ, फिर मैं आपको दूध देती हूँ। ये इधर बैठी हुई क्या कर रही हो फाइका? अस्सलाम वालेकुम बोलो सीधी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। और हाल चाल भी पूछ लो, क्या हाल है? क्या हाल है? अच्छा जी, तो आज फाइका का रिजल्ट आया। फाइका फेल हुई हो पास हुई हो? और ये क्या कर रही हो इधर? मुझे ये फाइका जो है ना, चोरी चोरी अपने दादू का ये आँखों वाला ड्रॉप जो है ना, ये इसमें है अभी, उसने थोड़ी देर पहले आँख में डाला है और ये जो है ना शायद अपनी आँखों में डालने वाली है। नहीं, वैसे ये ऐसा नहीं करती क्योंकि ये बड़ी है, ये नुकसान बहुत कम करती है। जैफा खान जो है ना, वो ऐसे नुकसान अब करता रहता है, कभी ड्रॉप और पाउडर वगैरह। और सुरमा, सुरमा तो उसका दुश्मन है, जैसे ही वो देखता है ना सुरमे वाली, उसको सारे को निकाल देता और अपने काले हाथ कर लेता है, मुँह पर लगा लेता है। बस मैं ना अब छुपा छुपा के रखती हूँ क्योंकि ना इनाया को मैं सुरमा डालती हूँ, तो इसलिए पहले तो मैंने लेना ही बंद कर दिए थे कि ये जो है ना, जो भी मैं सुरमा लेती हूँ उसी को खाली कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से खाने की तैयारी करते हैं। तो अभी जो है ना, आज अम्मी जान की फरमाइश थी, उन्होंने कहा है कि मछली, वैसे मुझे मछली जो है ना इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन चूँकि अम्मी जान की फरमाइश थी और बाकी घर वाले भी शौक से खाते हैं, तो मुझे जो है ना चिकन ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं, बाकी जो घर वालों को पसंद हो वही बनाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ मछली का सालन। ये जब भी वैसे सुबह नाश्ता करके जाती है, जब भी स्कूल से आती है तो फिर पहले ये दूध पीती है और उसके बाद जो है ना ये खाना खाती है। फाइका बंद कर दो फ्रिज। दूध जो है ना वो सुबह सुबह में बॉइल करके रख देती हूँ इसके लिए, ताकि जब भी इनको भूख लगे तो फिर इनको दे देती है। ज़्यादा कब पीता है क्या हुआ? दूध दे के जाओ। अच्छा, जो भी सामान लेने के लिए जाता है ना, सब्जी वगैरह या कोई बाकी का हो ना, जब भी आता है ना शहर से, तो उसका मूड खराब होता है। मुझे बार बार कहते रहते हैं कि तुम ये मांग रही होती हो, कभी वो मांग, कभी तुम्हारे टमाटर नहीं, कभी तुम्हारी मिर्च नहीं, भी मैं क्या करूँ, भी खाना तो होता ही है। मेरे साथ सारे शिकवा करते हैं कि तुम ये चीज़ मंगवा रही होती। वैसे मुझे इतनी शर्म आती है ना, जब भी कोई बाजार जा रहा हूँ मैं कहती हूँ कि ये ले आओ ये ले आओ। अभी घर में काम जो करती हूँ, मतलब कि खाना वगैरह बनाना होता है, तो मुझे हर चीज़ का पता होता है। और ये जो है ना टमाटर और मिर्च, ये तो सारे घर वालों के दुश्मन है, लेकिन अभी क्या करें, खाना तो है, खाना तो बंदा नहीं छोड़ सकता ना महंगाई। तो अभी ये मसाला जो है ना, ये आया है 300 रुपये का, इतना महंगा ये बस थोड़ा सा। और बाकी ये फिश है, वो भी जल्दी से इसको पहले वॉश करके रख लेते हैं, ताकि जो इसका पानी है ना वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो इसको बाहर लेके जाती हूँ क्योंकि इसने छोड़ना है ब्लड, तो फिर यहाँ पे ऐसे मतलब बैठेंगे। हाँ,
तो नमक वगैरह जो है ना मसाला वो लगा के दे दिया है उन्होंने, और अभी जो है ना मैं बस इसको धो रही हूँ अच्छी तरह से। घर जा रही हूँ, भी जो है ना मैं धड़ा धड़ मसाला तैयार कर रही हूँ मैं कि जल्दी जल्दी मेरा खाना जो है वो टाइम पे बन जाए, क्योंकि दिन बहुत छोटे छोटे हैं, टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता और लेट हो जाती है खाने को। मैं मसाला बनाऊंगी फिर बाकी के काम जो है ना रोटियाँ वगैरह वो भी बनानी है। मैं कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए काम बस मेरा। अभी जो है ना मसाला मैंने सारा तैयार करके रख लिया है, तो मैंने कहा कि साथ में आटा गूंद के रख लेती हूँ, फिर जैसे ही सालन तैयार होगा तो फिर रोटियाँ बना लूँगी। अभी फिलहाल मैं आटा गूंद लेती हूँ। अभी आटा जो है ना वो मैंने गूंद लिया है, तो अभी आटा जो है ना वो मैंने गूंद लिया है, तो सालन के तैयार होने तक ये नीम हो जाएगा और फिर बना लेंगे रोटियां, क्योंकि इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी ज़रूरी होती है, इसको हम बोलते हैं नीम, तो इतनी देर में ये नीम हो जाएगा और फिर अच्छी अच्छी इसकी रोटियां बनेंगी। तो अभी जो है ना मछली का सालन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, प्याज जो ऑयल है वो गर्म हो गया, तो अभी डाल देते हैं प्याज। इसको बाद में कवर ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, और इतनी देर में मैं इधर जो है ना खुश्क धनिया और लहसुन उनको पीस लूँगी। माशाल्लाह से प्याज जो है ना वो फ्राई हो गए हैं, तो अभी हम इसमें डाल देंगे टमाटर मिर्चे और लहसुन खुश्क। तो अभी माशाल्लाह से हमारे टमाटर जो है ना वो गल चुके हैं, तो अभी हम इसमें डाल देंगे ये खुश्क मसाला जात हल्दी नमक और लाल मिर्च पाउडर और ज़ीरा। तो अभी हम इसमें डाल देंगे मछली। तो अभी जो है ना इसको कर लेते हैं ऐसे करके मिक्स, और आग कर देंगे नीचे से कम, और ये हल्की हल्की आग पे पक जाएगी। अब मसाले में मछली जो है ना वो मैंने सारी मिक्स कर दी है, तो अभी इसको कर देते हैं कवर और ये गल जाए ताकि, और आग जो है ना वो नीचे से कम कर देंगे। माशाल्लाह से मैंने अबू और अम्मी दोनों को खाना ले दिया, अभी बारी है मेरी और बच्चों की, उनके लिए भी लेके जाते हैं क्योंकि वो बड़ी देर से और बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है सारे की जल्दी से खाना ले के आओ, और क्योंकि मैंने उनको खुद ही खिलानी क्योंकि इसमें कांटे हैं, तो मैं जो ना खुद ही उनको खिलाऊंगी। अच्छा भाई का आ जाओ खाना खा लो, भाई का आ जाओ। अच्छा तो पहले जो है ना इससे एक बात पूछ लेते हैं, फजर पहले पानी पी लो, चलो फिर इससे ना एक बात पूछनी है। फजर भाई का फेल हो गया फोर से,
फजर जैसे क्या कि मैंने इससे पूछा था, फजर जो है ना, फजर भाई का फेमी के पास हुई। और फजर फजर बताओ मेरी बात तो सुनो, फिर मैं आपको क्या कहूँ, तुम पास हुई या फेल हुई? नहीं नहीं तुम पास हो, अपना नाम लेती है कि मैं पास हुई हूँ और फजर भाई का जो है ना फेल। भाई का आ जाओ खाना खा लो। फिश बन गई है, आपने फिश पकाई है? हाँ जी फिश पकाई है, आप लोगों के लिए पकाई है। फिश माया ले लो भाई। फजर बेटा दूध नहीं बोलते थे, खाना आराम से बैठ के खाते हैं और सीट पे आराम से बैठे हैं, ठीक है बच्चों? आप जो सा आप लोगों को मैंने सबक पढ़ाया था ना, किसको किसको कलमा आता है मुझे सुनाओ। नहीं सुनाओ। जी तो हमने खाना वगैरह खा के हम सारे जो है ना फ्री हो गए। तो अभी जो है ना, वैसे तो इनके इस वक्त तो होता था होमवर्क का टाइम, क्योंकि आज सैटरडे हफ्ता है, सुबह फिर संडे होना छुट्टी होनी है। तो फिर आज फाइका जो है ना वो इधर इनकी क्लास दे रही। ये जो है ना इनके आंटी और चाचू फाइका के वो लेके आए थे ये चेयर, और जो फाइका है ये जैसे स्कूल से पढ़ के आती है ना तो फिर ये टीचर बन जाती है, और बाकी सारे जैसे इसकी मैडम हरकतें करती है ना वैसे ही इनके साथ करती है। बच्चों कपड़े ख़राब नहीं करना, नीचे नहीं बैठना, ऐसे पढ़ो, ये बोर्ड की तरफ देखो सारा दिन बस यही का होता है। फिर जो है ना ये चेयर पे बैठे रहते हैं हुजा, और ये इनकी स्थानी बनती है हर वक्त। तो अभी जो है ना चल के दूसरे काम कर लेते। नहीं मैंने ना कल एक नुकसान किया था तो वो आपको दिखा देती हूँ। और भाई का और सारे जो है ना ये इधर ही खेल रहे हैं। अच्छा जी तो अभी जो है ना मैं आती हूँ बाहर, और बाहर का व्यू भी आपसे शेयर कर रहे थे। माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा मौसम बना हुआ है। अच्छा कल जो है ना मैंने ये नुकसान कर दिया था, क्योंकि ना ये फूल मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। जैसे ही थोड़ी सी हवा चलती थी मैं झाड़ू लगा के थक गई थी, और ये सारे पत्ते जो है ना इसके फूल वो अंदर चले जाते थे। और जो है ना फिर इनको मैंने ना कल जड़ से उखेड़ दिया, इनका मैंने खत्म कर दिया। स्नोबर मेरे पीछे पीछे ही आ गया, जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं ये बाहर आ जाता है, इसलिए हमने इसको रस्सी डाली हुई है ताकि जो है ना इसको बांध के रखें कि बच्चे जब तो बच्चे हाँ इसको ना यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कुत्ते और बिल्लियाँ हैं बड़ी बड़ी, हम उनको वैसे अंदर नहीं आने देते, लेकिन जैसे ये बच्चे जब दरवाज़ा खोलते हैं अगर ये बाहर आ गया ना तो फिर उन्होंने इसको ना काट लेना, इसलिए हम इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और हमें प्यारा भी ये बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो है ना मैं इसको लेके चलूंगी घर, और उम्मीद है कि आपको मेरा जो आज का व्लॉग है वो पसंद आया होगा। तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। अल्लाह सब का हामी होना, फिर वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आ जाओ सुनो बार।